प्रदेश सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण शीघ्र ही शुरू करवा देगी। पिछले 6 साल से बंद किए गए SCA चुनाव भी बहाल किए जाएंगे। ये मांग ABBP की प्रदेश इकाई ने उठाई है। ABBP ने 21 अगस्त से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया है। प्रदेश सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करे। पिछले 6 साल से बंद किए गए SCA चुनाव बहाल किए जाएं, ये मांग ABBP की प्रदेश इकाई ने उठाई है। वहीं ABBP ने 21 अगस्त से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान जारी किया है। ABBP के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ABBP की प्रांत कार्यकारिणी की बैठक हाल ही में डांड में आयोजित की गई, जिसमें ABBP द्वारा उठाई जाने वाली विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई है। बैठक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक सोलन में आयोजित किए जाने वाले प्रांत जनजातीय सम्मेलन और 3 सितंबर से 13 सितंबर तक प्रदेश में व्यावसायिक सदस्यता अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। हमारी 16 से 18 को अगस्त में 2019 में प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, और इस बैठक में पिछले कार्यक्रमों के साथ साथ आने वाले समय में जो आज शिक्षा जगत में शिक्षा में ज्वलंत मुद्दे बनकर इस प्रदेश में बने हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर जैसे कि हम बात करें छात्र संघ चुनावों की, जो एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकार छात्रों को दिया गया, उस पर बैन लगाना जो है एक छात्रों के साथ अन्याय है, इसलिए छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। साथ ही जो परीक्षा परिणामों में अनियमितता है और समय पर जो है परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाते हैं, इसको लेकर भी जो है विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आंदोलन करेगी। जैसे हम देखते हैं बड़े ऐसे कई विषय हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं इस प्रदेश में। जहां हम बात करें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो उद्घाटन करके तो सरकार चली गई, लेकिन अभी तक एक ईंट का भी ना रखना एक बहुत बड़ा चिंता का सवाल और विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम जो है वही सरकारें कर रही है। हम देखते हैं कि नियामक आयोग के अध्यक्ष KK कटोच जी, जो भ्रष्ट से संलिप्त हैं, भ्रष्टाचारी से संलिप्त हैं, उन लोगों को ऐसी कुर्सी पर बैठाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो सरकार पर खड़ा करता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय और नौणी बागवानी से संबंधित विश्वविद्यालय, जहां हज़ारों से ज़्यादा जो है लाखों में फीस जो है वसूली जा रही है, एक सेमेस्टर की फीस 70,000 रुपये जहां कर दी गई है, एक ग्रामीण से जुड़ा व्यक्ति किस प्रकार से अपने बच्चे को जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजेगा, ये आज बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो प्रदेश में बना हुआ है। हम देखते हैं साथ ही कि इस हिमाचल प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, जहां सभी सीटों को सेल्फ फाइनेंस पर भरा जाता है, यहां तक कि वहां के हर एक प्राध्यापक की जो सैलरी है वो भी स्टूडेंट से वसूली जा रही है। सरकारी विश्वविद्यालय होने के बावजूद ऐसा होना जो है वो एक छात्रों के साथ शोषण है, और इसलिए इसको तुरंत बंद किया जाए और सेल्फ फाइनेंस के 7 सीटें ना भरकर हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो है तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान करे। ऐसे विद्यार्थी परिषद ऐसी कुल 10 मांगों को लेकर जो है आने वाले समय में आंदोलन करेगी। आंदोलन में जिस प्रकार से 8 राहुल राणा ने बताया कि प्रांत कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने, परीक्षा परिणाम की अनियमितताओं को दूर कर परिणाम शीघ्र घोषित करने, क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण करते हुए इसी सत्र से कक्षाएं शुरू करने, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण शुरू करने इत्यादि मांगों पर चर्चा की गई जाएगा और प्रधानाचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 23 अगस्त के दिन मुंह में काली पट्टी बांधकर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में मूक प्रदर्शन जो है विद्यार्थी परिषद करेगी। 26-27 के अगस्त के दिन सांकेतिक भूख हड़ताल, 24 घंटे की भूख हड़ताल पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद करेगी। 29 अगस्त के दिन प्रधानाचार्य एवं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति, नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव जो है वो विद्यार्थी परिषद करेगी। 4 सितंबर के दिन सभी इकाइयों में, इकाई के अंदर जो है वो रैली जो है इन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में की जाएगी। 10 और 11 सितंबर के दिन जनप्रतिनिधियों को, 10 और 11 सितंबर दो दिन जो है जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन जो है और घेराव विद्यार्थी परिषद इन्हीं मांगों को लेकर करेगी। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियाँ।